और गाइस इसके अंदर मैं आप लोगों को खर्चा बताने वाला हूँ कि इसके अंदर खर्चा कितना आ गया है, आपको ये कहाँ से परचेस करना चाहिए, कहाँ से नहीं, ये सारी सारी मैं डिटेल अब दे देता हूँ आप लोगों को। भाई ने जो टेस्ट ड्राइव लिया उसके अंदर भाई ने थोड़ी कमी वगैरह बताई है, लद्दाख वगैरह की बड़ी ट्रिप मारूंगा तो इससे बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, पेट वेट दर्द होने के चांस, मतलब कहने को जो भी चीज़ है भाई की हंसी देख सकते हो, मतलब जुगाड़बाजी में सबसे आगे है। अपनी डिस्क देख सकते हैं भाई, डिस्क ब्रेक की भाई क्या लुक निकल के आई है, मतलब कहने को ऊपर से नीचे तक कैसे काम कर रही है। एक बार घुमा के दिखाओ भाई टायर, किसी को परचेस करना हो मेरे किसी सब्सक्राइबर को तो कॉन्टेक्ट कर। सो गाइस फाइनली यहाँ पे लग गया भाई डिस्क ब्रेक की प्लेट भी और अपना अलॉय व्हील भी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काम कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। नूरुद्दीन भाई हमारा काम कर रहे हैं, भाई खुश हो या मजाक कर रहे हो? तो भाई ये ऐसी बंदा सीरियस वाला बंदा है थोड़ा, कहने को अभी हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा काम अभी कर रहा है बाकी पता नहीं आगे का। और इसके अंदर यहाँ पे लग चुकी है भाई अपने मीटर की गरारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो अभी आप लोगों को मीटर की गरारी दिखाई थी ओमटेक्स की, वो यहाँ लगी है कहने को, तो मुझे इस बारे में पूरी डिटेल नहीं थी लेकिन अब आप लोगों को पूरी डिटेल दे रहा हूँ। यहाँ पे लगी भाई मीटर की गरारी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और बाकी इसको अगर मैं टायर घुमाऊँ तो इससे पता लग जाता है भाई यहाँ पे मीटर की डंडी यहाँ पे हिल रही है, ठीक है जी। तो इससे क्या पता लगेगा भाई अपना मीटर गरारी चालू हो चुकी है, ठीक है जी। बाकी काम हो रहा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, बाकी तब तक फटाफट से सारी चीज़ें फिट करते हैं और अपना केयर लेवर यहाँ लग गया, लेवर वगैरह रह गया, थोड़ा बहुत काम रह गया, फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। और आप लुक चेक करो भाई अपनी केदार की कि अपनी लुक कैसी आ रही है, ये देखो भाई डिस्क ब्रेक लग चुकी है अपनी केदार बाइक में और कसम से भाई मज़ा अलग आ रहा है, क्या बात है भाई। बाकी यही है कि अपनी केदार कैसी लग रही है ये चेक करो, प्लस यहाँ पे अभी मेरे हाथ में आ चुका है भाई डिस्क पैड, जिसमें कि पहले जो हम लोग लाए थे वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो कहने को इसमें अपने डिस्क पैड लगने वाले, ये किम्बल है इसका, ठीक है जी। तो इसके अंदर डिस्क पैड लगेंगे कुछ इस तरीके से और इसको लगाते हैं जल्दी से, ठीक है। ये डिस्क पैड है भाई, अब चलेगा कितने टाइम चलता है, इसी को ही भाई चेंज कराना पड़ेगा रहेगा ज़्यादातर मुझे, अगर कभी भी ख़त्म होते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल अपने रिम लगाते वाले दूसरे वाले में तो उसमें ब्रेक शो लगते हैं वो दूसरे वाले जो आपको पता ही होगा, तो इसमें भाई डिस्क ब्रेक है तो ऐसे डिस्क ब्रेक के अपने डिस्क पैड हैं तो ये लगेंगे, ठीक है। फटाफट से इसे भी फिट करते हैं फिर आगे मिलता हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस फाइनली यहाँ पे लग गई है भाई डिस्क पैड, जिसमें कि आप बढ़िया तरीके से आपने शॉट देखे, पूरे बढ़िया से फिटिंग आई है, मतलब कि आप लुक चेक कर सकते हैं कि भाई कितना बढ़िया तरीके से अपने डिस्क पैड लग चुके हैं, अपनी डिस्क ब्रेक काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। बस अब लग गया भाई इसके अंदर ऑयल का काम, तो यहाँ पे अपनी तार जो है भाई डिस्क पैड की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं की लेवर से होते हुए आ रही है डिस्क पैड में, तो यही अपने खाली इसी को बंप करेगी, जो इसी को पकड़ेगी तभी जाके ब्रेक लगती है, यही इसकी एक सिंगल तार होती है। तो अब भाई इसमें ऑयल डाल दो, ऑयल डाल ले भाई इसके अंदर ही वाला, ठीक है जी। ये डिस्क का ऑयल है फुल, इससे भर जाएगा तो इससे क्या है कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्यार से काम करती है अपने डिस्क ब्रेक। तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब ये डिस्क का प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डिस्क का प्रेशर बनेगा जब जाके इसमें ब्रेक वगैरह लगना काम होगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ये देखिए। तो दोस्तों बाकी इसमें के लीवर में अपना डिस्क में अपना ऑयल वगैरह भर दिया है, और जो इसका पुराना वाला लीवर है, मतलब कहने को ये मेरी बाइक का नहीं है, इसी के साथ में मैंने परचेस किया था वही है, बाकी इसे नया लगाएंगे। और इसको क्या है कि भाई अभी चेक कर रहा है कि इसके अंदर अपनी रिम का काम हो रहा है, ब्रेक लग रही है नहीं लग रही है, तो अभी पंप बनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा है। नूरुद्दीन भाई हमारे थोड़े नाराज़ रहते हैं लेकिन काम बढ़िया करते हैं, ये बात है। बस चेहरे की खुशी देख सकते हैं आप इनकी, क्या बात है चेहरे की स्माइल देखें, बाकी कोई बात नहीं काम चल रहा है। और ये देखो भाई, तो अभी चेक कर रहे हैं कि रिम जाम होगा या प्रेशर में क्या होगा क्या नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम अब डिस्क में काम करवा रहा हूँ, मतलब कि मुझे इस बारे में डिटेल नहीं है पूरी, तो कहने को आपको जो दिख रहा है मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी इसके अंदर कहने को अभी नट भी, जो इसके पुराने वाले थे वो नट बिल्कुल ख़राब थे, नट भी नए डलेंगे और जो ये लीवर है वो भी नया डलेगा। और बाकी कुछ और सामान भाई बता रहे हैं तो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, जब तक अगर इसमें कुछ काम हो रहा है तो वो काम को चेक करते हैं, ठीक है जी। अभी प्रेशर बन रहा है, देखते हैं ब्रेक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भाई हमारे बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग भैया से ही पूछ लें। तो भाई नूरुद्दीन भाई इसके अंदर बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये दिक्कत, ये खराब है, ये जाम हो रहा, ये बुरा बुरा, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैन लीवर। तो इसे खराब है, ये खराब है। तो अभी जिससे भाई लेके आए उसको कहने को हम यही है कि इसे एक्सचेंज कराएंगे, क्योंकि भाई पूरी वहाँ पे गारंटी हमें मिली थी, तो इसको भी चेंज कराएंगे। अब देखते क्या होता क्या नहीं। बाकी और क्या खराब है इसके अंदर वाली पंप, इसके अंदर पंप भी खराब है, तो पंप खराब है तो भाई इसका इसमें तो काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये यहीं के यहीं काम हो जाएगा। चलो ये छोटा है, मतलब इसके ऑयल वगैरह जो थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है ना, इसके अंदर एमसी किट पड़ जाएगी इसके अंदर, जिससे कि भाई ऑयल लीकेज वगैरह बंद हो जाएगा, यहाँ पे लीवर नया डलेगा। और बाकी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसके लिए है कि अब इन्हें भाई को मैं भेजूंगा वहाँ पे, तो ये अपना चेंज वगैरह करा के लाएंगे, नहीं तो इसका नया वगैरह देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है जी। बाकी आप क्या होना
आप कुछ होना है या वापसी खोलेगा। चलो बाकी आप सीधा जमकट लेते हैं। अगर दोस्तों ये है भाई जमकट, और जमकट के बाद भाई ने मतलब कहने को ये जो हमारा पहले वाला था जो अभी किम्बल केल लीवर, ये क्या है कि भाई ये करा के लिए आए भाई चेंज, क्योंकि आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। फटाफट से भाई अपना चेंज करा के लिया है जिधर से हमने ये परचेस किया है। तो ये चेंज कराने के बाद क्या है, अब इसमें क्या है प्रेशर वगैरह बढ़िया से बनाने के बाद, तो अब ये काम कर रहा है नूरुद्दीन भाई वाला काम कर रहा है, नीचे वाला काम कर रहा है, इसका अभी देखना है। और तो कहने का अभी ये है कि यहाँ पे अभी अभी इन्होंने भाई परचेस करके लाया, तो इसका एम सी किट कुछ ऐसे डब्बे में आती है, और ये है एम सी किट का कुछ सामान जिससे ऑयल वगैरह जो लीकेज हो रहा है ना यहाँ से इधर से, तो यहाँ पे ये ऑयल लीकेज हो रहा है, इससे ये ऑयल लीकेज नहीं होगा, ये इसका कुछ सामान है ठीक है। और भाई अब फटाफट से इसे फिट करेगा, और जो हमारा अभी जो केल लीवर था नीचे वाला जो अपना डिस्पैड का किम्बल, ये फटाफट से भाई ने चेंज करा के लाया, और काफ़ी बढ़िया अभी तो काम चल ही रहा है। बाकी अभी कुछ कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे क्या है कि इसमें पेंट लगवा के लाया था कहने को अभी सलीम भाई से, तो भाई नूरुद्दीन भाई इसको थोड़ा वो साफ़ कर रहा है जिसमें कि भाई डिस्पैड में टक रहा होगा, तो कहने को अभी साफ़ करके फिर इसको डिस वगैरह चेक करेंगे अच्छे से। और ये अपनी एम सी किट है जो इसके अंदर फिट होगी फटाफट से ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसके अंदर है भाई लीवर जो कि पहले पुराना वाला कहाँ गया, पुराना वाला ये रखा है, तो कहने को ये काफ़ी ख़राब सा हो रहा है, ढीला ढीला सा लटक रहा है। अब ये क्या है कि यहाँ पे नूरुद्दीन भाई ये भी एक लेके आए लीवर जो कि भाई इसमें कुछ इस तरीके से लग जाएगा, तो लोग अपनी आए देख सकते हैं ऐसे आएगी ठीक है जी। अब फटाफट से इसको ही फिट वगैरह करते हैं, और अपना ये एम सी किट भी लगाते हैं। भाई ने अपना फटाफट से यहाँ पे चलते अपनी डिस्क की प्लेट भी साफ़ कर दिया बढ़िया से, और बाकी जो अपने स्क्रैचेज आ रहे हैं ना थोड़े बहुत, इसको हम दोबारा पेंट कर लेंगे अपने कन्नू भाई की शॉप से। कन्नू भाई पेंट वगैरह पड़ा होगा कोई? चलो कोई नहीं, पेंट वगैरह भी पड़ा तो उससे कर लेंगे। बाकी ऐसी कुछ है जो एम सी किट की सामान है और ऐसा कुछ यहाँ पे ठीक है। फटाफट से इसको ही फिट करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो गाइस फाइनली भाई ने पूरी फिटिंग वगैरह तो बढ़िया से कर दी है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा चेक करा के दिखा दूँ। भाई एक बार टायर घुमाओ जरा, ये टायर घुमा रहे हो, देखो टच करते एकदम से भाई ब्रेक लग रही है, मतलब मज़ा आ गया काम में, मतलब कि बहुत दिल खुश हो गया भाई ये चीज़ देख के कि हाँ भाई ये काम सारा का सारा फिनिश हो गया। लेकिन भाई बस एक काम रह गया कि भाई थोड़ा इससे चेक वेक करके आ रहा है कि इसके अंदर कोई कमी रह तो नहीं गई है, और बाकी इसका जो है टाइट वाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया से टाइट कर देना भाई, कोई वैसी कमी ना रह जाए कि बाद में दिक्कत दे ठीक है। बाकी इसकी अपनी एम सी किट वगैरह बढ़िया से लगा दी, ऑयल वगैरह कहीं से लीक नहीं हो रहा है, अपना जो ये चेंज करके आए वो भी बढ़िया से चेंज हो गया है, और काम देखो भाई डिस अपनी स्प्लेंडर में लग चुकी है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भाई मैंने अपनी बाइक में डिस्क ब्रेक लगवा लिए। और खर्चा वर्चा जो आया वो अभी आप लोगों को बताऊंगा, बाकी इसकी भाई बस बढ़िया से टेस्ट ड्राइव लेके आ जाए, देखते कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस कैसा नहीं। तो भाई एक बार ट्राई लेके आ रहे हो तुम? चलो जाओ फटाफट से ट्राई लेके आओ, और मैं वीडियो शूट करूँगा, यहाँ से जाओ यहाँ से आना ठीक है, ओके डन है, चलो जाओ फटाफट से अब। सो दोस्तों फाइनली भाई अभी चेक करके आया, बाकी मैंने भी थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट ड्राइव ले लिया, बाकी भाई ने जो टेस्ट ड्राइव लिया उसके अंदर भाई ने थोड़ी कमी वगैरह बताई है, कमी वो बताई कि भाई आगे का नहीं पहले पीछे बताता हूँ इसमें कमी क्या है। अभी मैंने साइड पैनल और टॉप बॉक्स तो बनवाए, लेकिन जो इसकी फ्रेम जो बना था ना वो फ्रेम तो बन गया, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं दिया कि भाई इसके पीछे वाले जो शॉकर है ना वो नहीं दब रहे यार, वो दब नहीं रहे कि कहने को भाई का पेट दर्द हो गया, कहने को गड्ढे में जब भी हम ले जा रहे हैं तो इसमें भाई बंप नहीं कर रही है पीछे से, पीछे का शॉकर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए क्योंकि ये पत्ती जो इसका फ्रेम बन रखा है और ये शॉकर के अंदर की जो प्लेट है, ये दोनों को तो मैंने इसे जाम करा दिया, ध्यान दिया नहीं इस चीज़ पे, तो अब इसके ऊपर भी कहने को काम होगा, लेकिन इसका पीछे का जो है ना शॉकर ये दब नहीं रहा है, तो कहने को भाई ये दिक्कत वाली बात है। अगर मैं कहीं दूर लद्दाख वगैरह की बड़ी ट्रिप मारूंगा तो इससे बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, पेट वेट दर्द होने के चांस होंगे, और सामान जो होगा वो बंप नहीं होगा, तो कहने को यही है कि पीछे की चीज़ हमें इसके शॉकर भी काम करवाना है, शॉकर ठीक है लेकिन इसकी पत्ती जो है वो उसको बेल्डिंग कटवट करके मैं यहाँ पे इसको बेल्ट कराएंगे, लेकिन आगे अभी नहीं, अभी सिर्फ डिस्क का काम चल रहा है। डिस्क में थोड़ा सा मरघाट टेढ़ा वेढ़ा था, तो कहने को इसको मरघाट को थोड़ा भाई जुगाड़बाजी करके अच्छे से, मतलब कहने को जो भी चीज़ है भाई की ऐसी देख सकते हो, मतलब जुगाड़बाजी में सबसे आगे है, तो कहने को इसका मरघाट अब ये इससे कहने को ये जो लाइन है इससे सीधा ही हो रही है ठीक है जी। अब ये सीधा हो रखा है, देखो आप पहले ये इस जगह भाग रहा था इतना टेढ़ा, तो अब कहने को भाई ने सही कर दिया है। और बाकी जो अपनी ब्रेक की तार थी पहले वाली, जो पिछली ब्रेक थी आगे वाली ब्रेक की जो तार निकल रखी थी एक्स्ट्रा, वो भाई ने यहाँ से खोल के वो हटा दिए। और बाकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली भाई, अपनी डिस्क ब्रेक काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है ठीक है जी। बाकी अब फटाफट से इसको फिटिंग विटिंग करते हैं, फिर मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूँ इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है, फुल फिनिश करके मैं आप लोगों से फिर अब आगे मिलता हूँ, और क्या क्या चीज़ें हुई है वो सब मैं आप लोगों को डिटेल देता हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें
रहने वाली है। चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली पूरा को पूरा काम हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि अभी आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करी। काम में भाई कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। और भाई ये सारा का सारा काम हमारे नूरुद्दीन भाई ने किया है। एक बार नूरुद्दीन भाई आए कर दो अब एंड में कहने को, भाई काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है देखने में। सारी चीज़ें जो थी हमारी वन बाई वन आप लोगों ने चेकआउट करा, किस तरीके से भाई ने काम स्टार्ट किया और कैसे एंड किया। तो कहने को भाई ने डिस्क देख सकते हैं भाई, डिस्क ब्रेक की भाई क्या लुक निकल के आई है, मतलब कहने को ऊपर से नीचे तक आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो एक ग्लैमर के शो कर देना भाई, ये ग्लैमर के शो कर दे दोनों के दोनों, और पूरा पूरा सेटअप ही मतलब कहने को ग्लैमर का था। तो भाई क्या ही लुक लग रही है अपनी डिस्क ब्रेक की। और भाई चलाने में मैंने देख लिया सब चीज़ काफ़ी अच्छी परफेक्ट परफॉर्मेंस कर रही है। आप लोग लुक चेक करो भाई अपनी केदार की, तो काफ़ी ज़्यादा काम अच्छा देखने को मिला। अब मैं इसके अंदर काम आप लोगों को दिखाऊँ, इसके अंदर काम क्या क्या हुआ है। अपने जो मैंने परचेस किया है भाई वो रिम आया है, प्लस अपनी प्लेट आई है, दोनों शॉकर आए हैं, और अपने ये केयर लीवर आया है, और यहाँ पे आप लोग ये तार देख सकते हैं इसी के साथ किए हैं। प्लस अपने साथ ही साथ इसका आया भाई पूरा पूरा, इसको क्या बोलते हैं मास्टर बैंड, इसको बोलते हैं भाई मास्टर बैंड। तो ये पूरा पूरा है, और यहाँ पे लीवर चेंज हुआ है, प्लस इसके अंदर हुई है भाई एमसी किट पूरी पूरी चेंज, ठीक है जी। और बाकी काम काफ़ी सारा अच्छा देखने को मिला। और कुछ तो नहीं रह गया ना, यही सब चीज़। मीटर होल्डर हाँ मीटर होल्डर रह गया, तो भाई मीटर होल्डर ये वाला है जो मीटर गिरा रही थी आप लोगों को दिखाई थी अभी, तो ये मीटर गिरा रही भी चेंज हुई है। तो कहने को ये सब इसके अंदर काम देखने को मिला। प्लस साथ ही साथ जो अभी मैं भाई अभी अलाइनमेंट वगैरह निकलवा के लाया हूँ, तो अलाइनमेंट निकलवा के लाया हूँ भाई, इसका काफ़ी ज़्यादा लैग था इसके अंदर भाई, अपने भैया ने नलकी लगाई है। प्लस जो अपने पहले वाले रिम पे टायर था वो रिम से टायर निकाल के इस पे लगाया, तो कहने को ये चीज़ सारे के सारे इसके अंदर काम देखने को मिले हैं। और काम आप बताओ भाई आप कैसा लग रहा है, अपनी डिस्क काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। एक बार घुमा के दिखाओ भाई टायर, ये देखो भाई ये मारा क्या बात है, बहुत ही सही। तो मतलब टच करते एकदम से भाई ब्रेक लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा काम अच्छा देखने में मिला है। नूरुद्दीन भाई ने सारा का सारा काम हमारा करा है। और गाइस अब मैं इसके अंदर जो आपको प्राइस बताने वाला हूँ, इसके अंदर अब मैं आप लोगों को खर्चा बताने वाला हूँ कि इसके अंदर खर्चा कितना आ गया है, आपको ये कहाँ से परचेस करना चाहिए कहाँ से नहीं, ये सारी सारी मैं डिटेल अब दे देता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये सारा का सारा काम किया है कन्नू भाई और अपने नूरुद्दीन भाई ने। कन्नू भाई अभी गए हैं भाई छोटा सा सामान लेने, तो कहने को मैं नूरुद्दीन भाई से पूछ लेता हूँ। नूरुद्दीन भाई जिसे आप ये परचेस करके लाए हो ये कहाँ पर पड़ता है एड्रेस? लाल कुआ। तो कहने को भाई ये लाल कुआ से परचेस करके लाए, इसका पूरा पूरा मतलब प्राइस कितना पड़ गया? जो सिर्फ जो अलॉय व्हील और ये सारा सेटअप जो आया है 6000 रुपये। तो कहने को 6000 रुपये में भाई जितना सामान मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया था पुराना वाला, वो सारा का सारा मतलब 6000 रुपये का पड़ा है। और इसकी लेबर चार्ज वगैरह जो लगी है भाई, लेबर चार्ज इसका क्या लोगे अगर कस्टमर कोई आता है तो? 1500 रुपये फिटिंग चार्ज। तो कहने को भाई मेरा जो डिटेल है मैंने अपनी पूरी पूरी इसकी पर्ची बना के रख दी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या सामान हुआ है। तो कहने को 6000 रुपये इसके भाई डिस्क की है, जो मतलब पूरा पूरा जो सेटअप आया था उसका है, और अपना जो पेंट कराया मैंने सलीम भैया से वो 400 रुपये का किया है, और 300 रुपये का अलाइनमेंट पे वो अलाइनमेंट निकलवाया है, जिसमें कि भाई अपने यहाँ पे नलकी भी लगी हुई है, ठीक है जी। तो कहने को 300 रुपये उन अंकल जी ने लिए, प्लस 30 रुपये का ऑयल है ये वाला है, डिस वाला ऑयल आया है, 350 रुपये का मीटर की घरारी है जो वहाँ पे लगी हुई है, और प्लस यहाँ पे 350 रुपये की एमसी किट है जो यहाँ पे लगी हुई है जैसे कि है, और प्लस यहाँ पे लेवल लिया भैया ने 1500 रुपये। अगर कोई भी आता है तो 1500 रुपये एकदम जायज है, जो ऊपर का सामान होगा उसके चार्जेस अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर भाई बाई चांस कभी शॉप पे ना मिले कहीं और इन्होंने शॉप अगर कर ली अपनी, तो कहने को कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दूंगा, जाओ और फटाफट से भाई को कॉल वगैरह करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सर्विस वगैरह में सारे सारे काम करते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, लीवर, और एक लीवर चेंज किया है यहाँ पे, लीवर भैया की शॉप से इधर आए, तो कहने को वो है 70 रुपये का। टोटल सामान भाई मेरा 9000 रुपये का लग चुका है इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर जो हमारे जो पहले वाले शॉकर थे अपने इस बाइक में से केदार में से खोले हैं, अगर भाई इसका क्या है कि मेरी पहले वाली जो एक 2007 मॉडल है जिसका 2023 करने वाला हूँ, तो कहने को यही है कि उसके अंदर ये वाले शॉकर हम उसके अंदर लगा देंगे। और प्लस अगर इस रिम को किसी को परचेस करना हो मेरे किसी सब्सक्राइबर को, तो कांटेक्ट कर लेना भाई, कमेंट में मैसेज कर लेना मुझे, तो मैं इसको हो सकेगा तो बेच दूंगा। बाकी 2007 मॉडल जो अपना पहले वाला है उसके अंदर लगाने की चेक करेंगे। बाकी मेरे पास दोनों रिम इसके पड़े हुए फ्रंट और बैक के, ठीक है जी। बाकी ये है अपना, यहाँ पे ड्रम भी निकल चुका है जैसे कि उसका, अब उसमें ड्रम की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ ऐसा सामान था ऐसे छोटे मोटे पेज, तो ये सारा सामान सेटअप इसका निकला है। और बाकी मैंने आप लोगों को सारा का सारी डिटेल्स अच्छी दी है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये सारा काम और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कीप लिविंग कीप सपोर्ट में। तक के लिए कहने को ये है कि भाई इसका जो हमारा शॉकर वाला सीन था,
कर भाई नहीं कर पा रहे हम, तो शॉकर के ऊपर भी एक आधी वीडियो आएगी और इससे राइड वगैरह भी करेंगे। एक आधी राइड करके आते कि भाई इससे आगे देखते कि अपने डिस्क वगैरह कैसे काम कर रहे कैसे नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक वीडियो को बढ़िया से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और कन्नू भाई से मैं सारी मॉडिफिकेशन की अपना काम कराता हूँ, तो कन्नू भाई की शॉप है महाकाल का ग्राफिक्स पॉइंट, आप लोगों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोन नंबर और एड्रेस भाई कन्नू भाई की शॉप का एड्रेस आ रहा है, तो वहाँ जाके आप लोग फटाफट से कन्नू भाई की शॉप पे विजिट करें, काम वाम कराएं, ठीक है जी। बाकी यही है कि मैं मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए कीप लिविंग की सपोर्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव।